झुंझुनू के सराय गांव के रहने वाले मंगलाराम देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। मंगलाराम देश की सेवा करते हुए काले पानी की सजा काटकर वापस घर लौटे। स्वर्गीय मंगलाराम की धर्मपत्नी सरोनी देवी ने बताया कि मंगलाराम को सेना में जाने का बहुत ही चाव था, पर घरवाले नहीं चाहते थे कि वो सेना में जाएं। इन घरवालों की न मानते हुए उन्होंने सेना को ज्वाइन किया। सेना को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की ओर से जर्मनी से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि अगर वो जर्मनी से लड़ाई लड़ते हैं तो उनके देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। मंगलाराम को आज़ाद हिंद फौज न ज्वाइन करने के लिए सेना में अधिकारी बनाए जाने तक का भी लालच दिया गया, पर उसको भी नकार के उन्होंने देश की सेवा के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्हें काले पानी की सजा हुई। सरोनी देवी मंगलाराम जी सूर्य मंगलाराम जी की पत्नी वाकई भर्ती को बहुत चाओ। पहली भर्ती सुनी अजमेर में भर्ती कर रहे ना, मैं बाज के गया एल से गरखा ने बेरोपुर को कठे गया तो बंद कोई आदमी बता दिया मैं तो गाड़ी में बैठ गया और मैं तो अजमेर गया। अजमेर तो भर्ती संडरपना बंद होटल है अच्छे बंद उठी बेरोपुर दिल्ली सेंटर कमान में भर्ती होगी। मैं दिल्ली सेंटर में जाके भर्ती होगा। अच्छे वह बोलिया तब ना थारा देश में आज़ाद कर जाऊँगा थे जर्मनी के साथ लड़ू। लड़ता लड़ता 4 साल बीत गई, देश आज़ाद हो गया। और वह लड़ता लड़ता सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर कमान जाता गेरो लगा के पकड़िया गया। आधा ने कैदी कर लिया, आधा कोई बाद का बने काला पानी की सजा दी, आधा ने बर्मा का जंगल में छोड़ दिया, आधा कोई मर गया। माँ बाप सब लोग में मरिया कर लिया, आज के मर गया कोनिया। पर ये 5-7 साल से भगवान जाने कैसे छूटा, कैसे पूछा था जना मारते हैं भाई ये आता हो। ये 3 तामा पुत्र दिया, पहले इंदिरा जी दियो, दूसरो जी ये अध्यय जी जोशी दिया मुख्यमंत्री, तीसरो अशोक गहलोत जी दिया। 3 तामा पुत्र दिया भेंट कर। ये तामा पुत्र इंदिरा गांधी जी मंगलाराम जी ने भेंट में दिया और वही पेंशन का कागज कटा।